हैदराबाद में फार्मास्यूटिकल कंपनी पर आयकर विभाग का छापा, अलमारियों में किताबों की जगह रखे मिले 142 करोड़ रुपए। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आयकर विभाग द्वारा भारत के 6 अलग अलग राज्यों में 50 जगहों पर पिछले शुक्रवार से छापामारी की एक मुहिम ही चलाई जा रही है। शनिवार को हैदराबाद में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है हेतेरो ग्रुप के कार्यालय पर और इनकी जगहों पर छापा मारा गया। फार्मास्यूटिकल कंपनी हेतेरो के एक जगह पर ऑफिस है बहुत बड़ा, यहां पर आयकर विभाग ने जब जांच की छापा मारने के बाद, तो आयकर विभाग के अधिकारी दंग रह गए, क्योंकि इस ऑफिस में जितनी अलमारियां थी सभी में नोटों के बंडल, वो भी 500 की नोटों के बंडल रखे हुए थे। आपको बता दें कि हेतेरो फार्मास्यूटिकल कंपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है और इसकी सप्लाई ये खास करके यूएसए, यूरोप, दुबई, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, ऐसी अलग अलग देशों को करती है। और इसी कंपनी ने हाल ही में कोरोना काल के दौरान जेनरिक दवाइयों में जिनकी गिनती होती है, ऐसी दवाइयां जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन, कोविफॉर, ये तमाम इंजेक्शनों की भी इन्होंने निर्मिति की थी, इसका प्रोडक्शन किया था। 50 जगहों पर जो छापेमारी की गई है, जिसमें लगभग 6 राज्यों के 50 जगहों पर 550 करोड़ रुपए का जो है वो बेहिसाबी मामला आयकर विभाग के इस रेड के दौरान सामने आया है, जिसमें से ये 142 करोड़ रुपए की नकदी भी है जो इस हेतेरो कंपनी की अलमारियों से बरामद किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के करीबी बी पार्थसारथ रेड्डी, जो कि तिरुमला तिरुपति देवास्टनम्स के ट्रस्टी भी हैं, और इनका हेतेरो ग्रुप से जो है सीधा संबंध भी बताया जा रहा है। हालांकि अब 142 करोड़ रुपए की ये नकद राशि अलमारियों में जैसे किताबों और बुक्स की जगह जैसे रखी गई थी उसको देख करके आयकर विभाग जैसा चौंका है और दंग रह गया है, वैसे जो तस्वीरें इन अलमारियों की जो हम आपको दिखा रहे हैं, हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि 500 के बंडलों की गड्डियां किताबों की जगह अलमारियों में रखी हुई देख कर आप भी दंग हो जाएंगे। Thank you.